Hello everyone, myself CA Raj K Agrawal, and I am here to make you understand the first budget of second term of Modi government. Aaj subah se hi log badi aakanshaon ke saath, ummeedon ke saath TV pe nazar tika ke baithe the ki shayad hamari jholi mein sarkar kuch bhar de tax ki chhoot ke madhyam se. Lekin shayad उन मध्यम वर्गीय लोगों को ऐसा कुछ भी इस बजट में दिखाई नहीं दिया. हालांकि गवर्नमेंट को जहां पे फोकस करना था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स, उस पे गवर्नमेंट ने फोकस भी जरूर किया इस बजट में और निश्चित है वहां पे बड़ी उपलब्धियों वाले काम भी किए हैं. तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं बजट को समझना. बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पूरे बजट को समझाने वाला हूं. This budget 2019 was presented by Nirmala Sitaraman. What is so unique and interesting about this? That this budget was presented by first full-time lady finance minister of India. Indira Gandhi bhi finance minister ki position le chuki hain. Lekin unki jo ye finance minister ki position thi, that was along with prime minister of India. Matlab wo prime minister ke saath saath उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ले रखी थी. लेकिन एक फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार इंडिया में विमेन हैं तो निर्मला सीतारमण. एक नई चीज, यूनिक चीज. दिस टाइम द बजट वॉज ट्रीटेड एज बही खाता. इट वॉज बाई कॉल्ड एज बही खाता बाई द ऑफिशियल्स. निर्मला सीतारमण ब्रिंग्स एन एंड टू द ब्रिटिश एरा ट्रेडिशन ऑफ कैरिंग सूटकेस, ब्रीफकेस. अभी तक जो भी बजट प्रेजेंट होता था वो पता है सूटकेस में प्रेजेंट होता था. मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जब लोकसभा आते थे, पार्लियामेंट आते थे, तो वो क्या करते थे, बजट की कॉपीज को ब्रीफकेस में लेके आते थे. बट फॉर द फर्स्ट टाइम सी हैज ब्रॉट इट इन अ रेड क्लोथ कवर्ड फोल्डर. ठीक है, तो लाल कपड़ों में बजट को लाया गया था और इसे बही खाता नाम दिया गया. अच्छा, व्हाई इज गवर्नमेंट कॉलिंग इट बही खाता? क्योंकि गवर्नमेंट कहना चाहती है कि आई एम अकाउंटेबल टू द पब्लिक. गवर्नमेंट ये भी बताना चाहती है इससे कि हम अकाउंटेबल है पब्लिक को, इसलिए हम बही खाता प्रेजेंट कर रहे हैं. बही खाता स्टैंड फॉर लेजर, अकाउंटिंग. हम अकाउंट्स दिखा रहे हैं, हम सारा लेखा जोखा सरकार का पब्लिक के सामने ला रहे हैं. तो इस तरीके से ब्रीफ केस कैरी करने वाले ट्रेडिशन को भी इस बार खत्म किया गया. व्हाट वॉज एग्जैक्टली दिस? दिस वॉज बजट. और हम लोग बेसिकली क्या होता है कि जो बजट का सेकेंड पार्ट होता है विच इज कॉल्ड फाइनेंस बिल, जिसमें टैक्सेशन की सारी बात होती है, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो वो जो फाइनेंस बिल होता है वो फाइनेंस एक्ट बनता है व्हेन इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, आज जब बजट को प्रेजेंट किया गया तो वोटिंग नहीं कराई गई. वोटिंग कब होती है? फिर से पार्लियामेंट का सेशन बैठता है और फिर वोटिंग कराई जाती है. और अगर ये पास हो जाता है, ठीक है, बाय द मेजोरिटी ऑफ मिनिस्टर्स, तो इसे कहा जाता है फाइनेंस एक्ट. और ये जब फाइनेंस एक्ट बन जाएगा तो आज मैं जितनी बातें कह रहा हूं वो लॉ बन जाएगा. कौन से फाइनेंशियल ईयर की इनकम के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की इनकम के लिए. इस इनकम की असेसमेंट कब होगी? 2020-21 में, राइट? स्टार्ट करते हैं टैक्स रेट से, जिसमें हम आपको बता दें कि टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. इंटरिम बजट में एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी कि रिबेट 12,500 रुपए तक का दिया जाएगा जिनकी टोटल इनकम 5,00,000 रुपए तक की है. तो वो बात ही स्टे करती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया. हालांकि एक्सपेक्टेशन बहुत थी, ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि जो पहला वाला स्लैब है, ठीक है, वो 5,00,000 रुपए की बात शुरू हो, 5,00,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स ही निल हो जाए. हालांकि आज भी 5,00,000 रुपए तक की इनकम है अगर तो आपका टैक्स कुछ भी नहीं बनता. लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि 5,00,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स निल हो जाएगी, उसके बाद एक 10% का स्लैब आएगा. ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में दिखाई दे रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंज नहीं किया. इंटरिम बजट में जो बात कही गई थी वही बात आज भी लागू है. 2,50,000 रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है. 2,50,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक की इनकम पे 5% का टैक्स है. 5% का टैक्स है, यानी कि 2,50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए का डिफरेंस कितना हुआ? 2,50,000 रुपए.
250,000 रुपए, इसका 5% निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 12,500 रुपए। गवर्नमेंट ने सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए का रिबेट दे दिया है, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव टैक्स निल हो जाएगा, यानी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंप्लायंस बर्डन आपके ऊपर आज भी रहेगी, यानी आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा रिबेट क्लेम करने के लिए। अगर मेरी 5,00,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स निल हो जाता तो शायद मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो आप रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें रिबेट क्लेम करके टैक्स को निल बना लेंगे, लेकिन कंप्लायंस बर्डन आपके ऊपर रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, टैक्स बर्डन नहीं रहेगा। लेकिन अब एक बात यहां पे और भी ध्यान से समझिएगा, जिनकी इनकम 5,00,000 रुपए से ऊपर है उन्हें कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, उन्हें कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अगर मान लीजिए मेरी टोटल इनकम, अच्छा टोटल इनकम क्या होती है यह बात भी समझना जरूरी है, टोटल इनकम होती है आफ्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यानी ये जो जितनी भी आपको डिडक्शंस मिलती है ना, उन सब के बाद जो इनकम आती है उसे कहते हैं टोटल इनकम, राइट। पहले हम कंप्यूट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सभी इनकम की जोड़ को कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से जब हम डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, जैसे सेक्शन 80C में इंश्योरेंस प्रीमियम की आपको डिडक्शन मिलती है, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आप किसी भी शेड्यूल बैंक में कराते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आप परचेज करते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है, ये सारी डिडक्शंस जो भी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल प्रीमियम, देन डोनेशंस, इन सब की डिडक्शंस के बाद जो बचता है उसे कहा जाता है टोटल इनकम। अगर आपकी टोटल इनकम 5,00,000 रुपए, यानी ग्रॉस टोटल इनकम तो 5,00,000 रुपए से ज्यादा है, तो भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगर मेरी टोटल इनकम 5,00,000 रुपए है तो आइए स्लैब के हिसाब से देखिए आपका टैक्स कितना बनता है, 2,50,000 रुपए तक कुछ भी नहीं बनता, और 2,50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक बनता है 5% के रेट से, यानी आपका टैक्स बनेगा 12,500 रुपए का। और जिनकी इनकम 5,00,000 रुपए तक की है, मैं आपको दिखाता हूं, जिनकी इनकम 5,00,000 रुपए तक की है, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 5,00,000 रुपीज शैल बी एलिजिबल फॉर रिबेट ऑफ 12,500 restricted to the amount of tax payable by him, यानी अगर टैक्स ही आपका 12,000 से कम, 12,500 से कम है तो जितना आपका टैक्स बनता है उतना ही रिबेट होगा। तो इसमें से आपको रिबेट मिल जाएगा 87A का 12,500, राइट। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स कितना हो गया, निल। राइट, लेकिन अब ये बात समझिएगा, अगर मेरी इनकम, टोटल इनकम इज 6,00,000 रुपीज, तब क्या होगा? अगर मेरी टोटल इनकम 6,00,000 रुपए है तो क्या होगा? फर्स्ट 2,50,000 रुपए पे, फर्स्ट 2,50,000 पे निल होगा, नेक्स्ट 2,50,000 पे, अगले 2,50,000 का मतलब हो गया 2,50,000 1 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक 5% के रेट से, तो ये होगा 12,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद अभी कितनी इनकम है आपकी, 6,00,000 रुपए, तो 2,50,000 हो गया 1,00,000 और, नेक्स्ट 1,00,000 रुपए पे टैक्स क्या है, ये स्लैब में दिखाता हूं आपको। 5,00,000 रुपए से लेके 10,00,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स लगता है 20% के रेट पे, यानी इस 1,00,000 पे 20% का टैक्स होगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए, ये हो गया 32,500। क्या यहां पे आपको रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा रिबेट, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट उन्हीं को मिलता है जिनकी टोटल इनकम कितनी है, 5,00,000 रुपए। आपकी टोटल इनकम 5,00,000 रुपए से ज्यादा हो गई तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिल रहा है, यानी आपका टैक्स बनता है 32,500 रुपए, और उसके बाद सेस वगैरह और लगता है वो लगेगा। क्लियर बात, यानी 5,00,000 रुपए तक टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम 6,00,000 रुपए है तो ऐसे में आपको कोई भी छूट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरा 5,00,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, फिर अगर 5,01,000 रुपए आए ना तो आपकी 5,01,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल है, लेकिन अगर 5,00,000 रुपए है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। चलिए उसके बाद एक बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट और की, सरचार्ज ऑन इंडिविजुअल हैविंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 2 crore to 5 crore and 5 crore and above to be enhanced।
जब निर्मला सीतारमन बजट पढ़ रही थी तो उस समय उन्होंने बताया कि जिनकी इनकम 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ है उनकी इनकम पे टैक्स तकरीबन 3% से बढ़ जाएगा। 3% से टैक्स बढ़ जाएगा, इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं, आइए दिखाता हूं। ये इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP मतलब इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके ऊपर सरचार्ज लगता है, इसे सुपर रिच टैक्स कहा जाता है। सुपर रिच टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लेती है, सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पे टैक्स। जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है उनको टैक्स पे भी 10% और टैक्स देना पड़ता है, उसे कहा जाता है सरचार्ज। मतलब जो भी टैक्स की कैलकुलेशन आएगी उस पे 10% और जोड़ दिया जाएगा। जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 15% का सरचार्ज देना होता है। जिनकी इनकम, अब ये दोनों चीज नई आई है इस बार, दिस इज न्यू एंड दिस वन इज न्यू। अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आपकी इनकम है तो ऐसे में आपका सरचार्ज बनेगा 25% और 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज बनेगा 35%। अब आइए समझाते हैं कि निर्मला सीतारमन ने यह क्यों कहा कि 3% से टैक्स बढ़ जाएगा। 3% से टैक्स क्यों बढ़ जाएगा इस बात को समझ लीजिए। ये देखिए, ये सरचार्ज में डिफरेंस कितना है, जिनकी 1 करोड़ रुपए तक की इनकम है उनको सरचार्ज देना पड़ता है 15%, लेकिन जिसकी 2 करोड़ रुपए एक्सीड कर जाएगी उनको 25%, यानी 10% का चेंज है। ठीक है, 10% का यहां पे चेंज है। ये 10% बढ़ जाएगा किस पे, टैक्स पे। टैक्स का रेट क्या है, हायर स्लैब की तरफ अगर चले जाए हम तो 30% टैक्स है। सबसे ज्यादा टैक्स कितना है, 30%। 10 लाख रुपए की ऊपर इनकम होती है तो 30% के रेट से हम टैक्स देते हैं, तो 30% का 10% आपको और देना पड़ेगा, टैक्स का परसेंटेज होता है सरचार्ज, तो 30% का 10% यानी कि 3% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये मतलब था 3% का। क्लियर हो गई बात सबको। तो सरचार्ज हैज बीन बेसिकली इंक्रीज्ड बाय 10% फॉर दोज हु आर हैविंग इनकम ऑफ मोर देन 2 करोड़ रुपीज, लेकिन 10% ये किसका बढ़ गया, टैक्स का 10% बढ़ गया। टैक्स बेसिकली कितना है, 30% हायर स्लैब पे, तो उसका 10% हो जाएगा 3%। तो वो इफेक्टिवली गवर्नमेंट ने बताया कि 3% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा जो अधिक कमा रहे हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि टैक्स कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में ऑलरेडी एक बंपर अनाउंसमेंट दे ही दी थी कि 5 लाख रुपए तक वालों को कोई टैक्स नहीं देना है, वो स्थिर रही, लेकिन जो अधिक कमाते हैं उनसे गवर्नमेंट ने और अधिक टैक्स भी लिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, आज इफेक्टिवली टैक्स हो कितना गया, जो पैसे वाले लोग हैं जिनकी इनकम अधिक है उनके लिए टैक्स क्या हो गया, 30% का टैक्स है। इस 30% पे 35% तक का सरचार्ज है, आइए मैं आपको दिखा दूं, ये सरचार्ज 35% का है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 35% का सरचार्ज है, 35% का सरचार्ज है। उसके ऊपर 4% फिर सेस है, मतलब इस 30% पे 35% ये है, मैंने 30% इनकम का 30% टैक्स हो गया। ठीक है, 30% पे 35%, 30% का 35% कितना होता है, 10.5% सरचार्ज हो गया। इनकम पे अब बात कर रहे हैं तो ये हम टैक्स बात कर रहे हैं, ये टैक्स थी इनकम पे 30% टैक्स, जो टैक्स आया उस पे 35% कितना है सरचार्ज, और टैक्स और सरचार्ज मिला के उस पे लगता है ये 4% का सेस। तो ये टैक्स है, ये सरचार्ज है और ये सेस है। ठीक है, अब 4% का सेस लगेगा इस 40.5% पे, 40.5 × 4% 1.62%, यानी इनकम का कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज की तारीख में सबसे हायर स्लैब इनकम पे टैक्स जो जाता है वो जाता है 42.12%। अभी तक यूएस में जो हायर स्लैब की इनकम थी उस पर टैक्स सबसे ज्यादा हुआ करता था, अब इंडिया में ये टैक्स आ जाने के बाद सबसे हाईएस्ट टैक्स इंडिया में हो गया, मतलब यूएस से भी अधिक टैक्स हो गया। अब 42.12% का टैक्स हो रहा है हायर इनकम पे। नाउ फॉर डोमेस्टिक कंपनीज,
डोमेस्टिक कंपनीज के लिए क्या बताया गया, देख लीजिए, ऑल द कंपनीज हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 400 क्रोर्स विल बी अंडर द ब्रैकेट ऑफ 25%। इसके पहले तक क्या था कि 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% का टैक्स देना होता था और बाकी कंपनियों को 30% का टैक्स देना होता था। लेकिन अब 250 करोड़ की जगह अब इसको टर्नओवर को ले लिया गया 400 करोड़। 400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियां कितना टैक्स देंगी? 25%। और ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि 99.3% कंपनियां हिंदुस्तान की जो भी हैं, वो कौन से, उनका टर्नओवर कितना है? अप टू 400 करोड़। तो यानी आप ऐसे कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एवरी कंपनी इज गोइंग टू पे 25% टैक्स अपार्ट फ्रॉम फ्यू कंपनीज, 0.7% कंपनीज हु आर गोइंग टू पे 30% टैक्स। हालांकि इसके पहले भी जब 250 करोड़ का टर्नओवर था तो भी गवर्नमेंट ने बताया कि मोटा मोटी 97% कंपनियां 25% का टैक्स दे रही हैं। अब तो बहुत इंक्रीज कर दिया, 99.3% कंपनियां कौन सा टैक्स देंगी? 25% का, एंड बैलेंस दिल बी पेइंग 30%। इंडस्ट्री की मांग ये थी कि 25% का टैक्स सभी कंपनियों के लिए कर दी जाए, ऐसी इंडस्ट्री की मांग थी। ये एक्सपेक्टेशन भी जताई जा रही थी कि शायद इस बजट में ऐसा कुछ कर दिया जाए, राइट। सीनियर सिटीजन का स्लैब, वेरी सीनियर सिटीजन का स्लैब एज इट इज स्टे करता है, 3 लाख रुपए सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देना होता है और 5 लाख रुपए तक सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देना होता है। वो सारे स्लैब्स वैसे ही हैं, 12,500 रुपए तक का रिबेट ये सभी के लिए है, सभी इंडिविजुअल्स के लिए है। इनफैक्ट सिंस सी वॉज एन लेडी फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऐसी भी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि शायद मेन के लिए अलग स्लैब रेट्स हों और वेमेन के लिए अलग स्लैब रेट हो। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के समय में ऐसे 2 स्लैब रेट्स चलते भी थे, मेन के लिए अलग और वेमेन के लिए अलग स्लैब रेट होते थे। वेमेन को हायर लिमिट तक एग्जेम्पशंस मिलती थी, मतलब अगर मैन को 2.5 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए तक वेमेन को एग्जेम्पशंस मिलती थी, कुछ इस तरीके से स्लैब्स हुआ करते थे। तो इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि शायद सिंस सी इज एन वेमेन फाइनेंस मिनिस्टर तो ऐसा कुछ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाउ गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड सम फंड जो गवर्नमेंट बैंकों को कंपनसेट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एमएसएमई को लोन पे 2% की छूट दी जाएगी। और गवर्नमेंट ने शायद कितने 100 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं जो वो बैंक को कंपनसेट करेगी इस डिस्काउंट के लिए। नाउ पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, तो देखिए आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने शायद व्यापारी वर्ग के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ भी नहीं किया हो, ठीक है। गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए, इंप्लॉयज के लिए तो बहुत कुछ सरकार ने योजनाएं बनाई थी, लेकिन शायद व्यापारियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको सरकार किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी। शायद व्यापारियों को यही लगता था कि जब तक वो काम करेंगे तब तक सरकार को टैक्स देंगे और फिर अपनी अगर कुछ बचत है तो उससे रिटायरमेंट के, अपनी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि बेसिकली बिजनेसमैन के रिटायरमेंट तो खुद बिजनेसमैन ही डिसाइड करता है, तो जब भी वो बिजनेस करना छोड़ेगा या रिटायर करेगा तो वो शायद अपने बचत वाले पैसों से ही कुछ अपने लिए कर पाएगा। लेकिन देखिए क्या गवर्नमेंट ने लाया, टू कवर द शॉपकीपर, रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अ मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 3,000 आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। कम से कम 3,000 रुपए तक की मंथली पेंशन मिलेगी। इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि आपको कुछ पैसे इकट्ठे डालने हैं एक पर्टिकुलर फंड में और गवर्नमेंट भी मैचिंग कंपनसेशन डालेगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट चाहिए। लेकिन ये स्कीम उन्हीं के लिए है जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का ही है और उनकी एज 18 से 40 साल तक की है। तो गवर्नमेंट ये स्कीम ला रही है, स्कीम को कैसे इफेक्टिव बनाया जाएगा इसके बारे में भी गवर्नमेंट बताएगी। अभी जितनी अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से यही है कि 18 से 40 साल के व्यापारी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है। आप कुछ पैसा जमा करेंगे, सरकार भी मैचिंग अमाउंट जमा करेगी और 60 साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे जो कम से कम 3,000 रुपए प्रतिमाह होंगे। जो पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट, उनको 1.5 लाख रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट से। हालांकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24B के तहत अगर आप एक मकान खरीदते हैं लोन लेके, तो लोन के ब्याज पर
दो लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है, यानी आपको दो लाख रुपए तक की इनकम रिड्यूस कर दी जाती है इंटरेस्ट के एवज में। हालांकि अगर आपका पहला मकान है तो ऐसे केस में आपको डबल छूट मिलने वाली है। सेक्शन 24B में जो दो लाख रुपए की छूट मिलती थी वो तो मिलेगी ही ब्याज के तहत, ब्याज के लिए, और डेढ़ लाख रुपए की अलग से छूट मिल जाएगी सेक्शन 80EEA में। ये एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स में, जिसमें डेढ़ लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी असेसमेंट ईयर 2021 और उसके बाद के सभी असेसमेंट ईयर में। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशन भी है कि लोन सेंक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में ही होना चाहिए, वो 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच ही लोन सेंक्शन होना चाहिए। हाँ, लोन सेंक्शन अगर इस साल हो गया तो छूट भी बस इसी साल मिलेगी, ऐसा नहीं है। छूट तब तक मिलेगी जब तक आपका लोन चलेगा, छूट तब तक मिलेगी ये डेढ़ लाख रुपए की जब तक आपका लोन चलेगा, आप ब्याज देते रहोगे। तो डेढ़ लाख रुपए की यहां छूट लोगे, दो लाख रुपए की सेक्शन 24B में आप छूट लोगे। प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, यानी बेसिकली गवर्नमेंट ने मध्यम वर्गीयों को यहां पे फायदा पहुंचाया है कि अगर आप एक सस्ता मकान खरीदते हैं, सस्ता फ्लैट खरीदते हैं 45 लाख रुपए तक का, और पहली बार आप मकान खरीद रहे हैं, यानी जिस दिन आप ये मकान खरीद रहे हैं उस दिन आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में लोन भी सैंक्शन कराया है, तब जाके आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जमाना ऐसा समझ लीजिए कि आ गया, गवर्नमेंट ने जोरदार बेनिफिट्स इसके लिए दिए हैं और शायद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शायद बहुत जल्दी ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां भी बंद कर दी जाए, बैन कर दी जाए, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में ऐसा किया जाए। अभी इंकरेजमेंट दिया जा रहा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के आने की बात हो रही है, पहले मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आना शुरू हो, मैन्युफैक्चरर इंटरेस्ट ले, कंज्यूमर इंटरेस्ट ले, एंड देयर आफ्टर ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं। आइए देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सस्ता बनाने के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने प्रयास किया, इस पे जीएसटी रेट 5% का होगा। हालांकि इसके पहले अभी तक भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जीएसटी का रेट कम ही था, वो था 12% का। बाकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जो जीएसटी का रेट होता है वो 28% का होता है, उसके बाद कंपनसेशन सेस भी लगता है। तो तकरीबन अगर हम गाड़ियों की बात करें तो हम लोग 35-40% तक का क्या दे देते हैं, उस पे जीएसटी दे देते हैं, जीएसटी 28% का कंपनसेशन सेस को ऐड करने के बाद। लेकिन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को 5% के जीएसटी दायरे में रखा है, तो आई होप आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कितनी सस्ती हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। और तो और गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में भी इसका बेनिफिट दिया, जिस तरीके से मकान खरीदने पे आप लोन लेके मकान खरीदते हैं तो ब्याज की छूट मिलती है, वैसे ही अगर लोन लेके आप ये कार खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी सेक्शन 80EEB में। दो सेक्शन नया लाया गया, 80EEA वो मकान के लिए और 80EEB ये लाया गया व्हीकल के लिए। छूट कितनी मिलेगी, डेढ़ लाख रुपए की मिलेगी, हर साल मिलेगी, राइट। लेकिन आपको लोन कब तक लेना है, 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए देखिए गवर्नमेंट का लंबा प्लान है, अभी आप लोन लेते हैं 2023 तक, बेसिकली कितना समय मिल गया ऐसे देखा जाए तो 2020, 21, 22, 23 चार साल का समय, आने वाले 4 सालों तक अगर कभी भी लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट की छूट मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की, राइट। तो एक तो मुझे इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी, दूसरा जीएसटी का रेट भी बहुत कम है, तो निश्चित है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को इंकरेजमेंट जरूर मिलेगी। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट बिजनेस को बूम करने के लिए स्टार्टअप्स को इंकरेज कर रही है, और स्टार्टअप को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट बड़े सारे प्रोग्राम्स चलाती रहती है। गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स भी बना रखी हैं जहां पे स्टार्टअप को हर तरीके की इंफॉर्मेशन मुहैया कराती है। गवर्नमेंट अब टीवी के माध्यम से भी स्टार्टअप तक पहुंचना चाहती है और स्टार्टअप को जो जो परेशानियां होती हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराने में उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स दूरदर्शन पर आएंगे, राइट। तो इस तरीके से प्रोग्राम वगैरह के थ्रू स्टार्टअप को इंकरेज करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद इनके कस्टमर केयर को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव होने की आवश्यकता है,
राइट, हम प्रोग्राम के जरिए इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन फिर भी हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो शायद हम इनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और या फिर जो बंदे इन स्टार्टअप्स को देखते हैं वो पूरी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो एक थोड़ा सा कस्टमर केयर वगैरह भी जो इनका है वो भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है इनको। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती थी वो आरबीआई के दायरे में नहीं आती थी, जो बैंक होती है वो आरबीआई के दायरे में आती थी, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का अलग बोर्ड होता था, ठीक है, वो इनको देखता था। लेकिन अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आरबीआई के दायरे में आएंगी, तो यानी आरबीआई की जितनी पॉलिसीज हैं वो अब इनके ऊपर भी लागू होंगी। कैश पेमेंट को डिस्करेज करने के लिए एक नया सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 194N। इसमें 2% का टीडीएस प्रपोज किया गया है। अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर साल भर में आप किसी भी अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हो तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर जितना अमाउंट आप विड्रॉ करोगे उस पर 2% का टीडीएस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से साल भर में 1,05,00,000 रुपए कैश विड्रॉ करता हूं तो 5,00,000 रुपए का 2% टीडीएस काट लिया जाएगा, राइट? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि टीडीएस काटने से लोगों को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, शायद इसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पे काट लेना चाहिए था, क्योंकि अगर शायद टीडीएस अगर कटता है तो वो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लेंगे, टीडीएस तो मेरा प्रीपेड टैक्सेस के बराबर है, तो शायद बहुत ज्यादा इफेक्ट इससे ना करे, ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट पे बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट आएगा नहीं। तो डिजिटल पेमेंट को इंकरेज करने के लिए, कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल पे एक लिमिट लगा दी गई। साल भर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आप किसी भी खाते से विड्रॉ करते हैं तो जितना 1 करोड़ रुपए के अमाउंट को एक्सीड करता है उस पर 2% का टीडीएस काट लिया जाएगा। प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न टू बी मेड अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर। गवर्नमेंट अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपकी मदद करने वाली है। शायद आपको किसी भी मिडिल मैन की, किसी भी एडवोकेट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में ना पड़े। गवर्नमेंट प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए बना रही है, जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन वेरियस एजेंसी से लेगी और आपकी रिटर्न खुद ही ड्राफ्ट कर देगी। हालांकि निश्चित है कि उसमें वो ऑप्शंस होंगे कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहे, डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट? लेकिन गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती रहेगी कि आपने कोई इंफॉर्मेशन डिलीट की है तो निश्चित है वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन तो डिलीट नहीं कर दी। गवर्नमेंट के पास वो एजेंसीज कौन सी है जिनसे इंफॉर्मेशन लेगी, गवर्नमेंट बैंक से इंफॉर्मेशन लेगी, म्यूचुअल फंड कंपनी से इंफॉर्मेशन लेगी, राइट? तो डीमैट अकाउंट के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इनसे इंफॉर्मेशन लेगी, जो रजिस्ट्रार हैं स्टेट्स में प्रॉपर्टी वगैरह जहां पे आप रजिस्टर कराते हैं वहां से इंफॉर्मेशन लेगी और उसके बेसिस पे आपकी इनकम खुद ही गवर्नमेंट कंप्यूट कर देगी, राइट? प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न होगा, बस आप उसे चेक करेंगे और सबमिट कर देंगे, राइट? तो यानी गवर्नमेंट अब हमारे सारे डाटा को कंट्रोल करेगी और पूरी तरीके से और डाटा को ऑब्टेन करने की भी सोर्सेस रेडी कर रही है, आप ये भी सोचिए, राइट? तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी, हम लोग ईमानदारी से पूरा पूरा टैक्स दे पाएंगे, क्योंकि मुझे ये पता होगा कि गवर्नमेंट के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है और मुझे खुद से अपनी रिटर्न फाइल भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। गवर्नमेंट के पास इंप्लॉयर के जरिए सैलरी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, रजिस्ट्रार के जरिए कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मेरी डिविडेंड की, इंटरेस्ट की इनकम, ये सब कुछ गवर्नमेंट को पता होगी और वो प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आएगा हमारे सामने। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब पैन कार्ड होना आवश्यक नहीं होगा। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के बेसिस पे भी आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर लेंगे और टैक्स की पेमेंट भी कर लेंगे। द वेरी यूनिक थिंग करप्शन को कंट्रोल करने के लिए द स्कीम ऑफ फेसलेस इलेक्ट्रॉनिक टैक्स असेसमेंट। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक टैक्स असेसमेंट? बेसिकली गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाएगी, राइट? और वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी ही क्या करेगी, नोटिसेस जारी करेगी। जब नोटिसेस जारी की जाएंगी टैक्स पेयर को तो उसका जवाब जो जाएगा वो भी किसको जाएगा, सेंट्रलाइज्ड बॉडी को जाएगा। सेंट्रलाइज्ड बॉडी फिर वहां से एओ एलोकेट करेगी, एसेसिंग ऑफिसर एलोकेट करेगी, जिसको वो रिप्लाइज भेजेगी। फिर एओ जो रिप्लाइज करेगा वो अगेन सेंट्रल बॉडी के पास आएगा और सेंट्रल बॉडी किसको डालेगी, फिर टैक्स पेयर को डालेगी। यानी कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एसेसिंग ऑफिसर और टैक्स पेयर है
वो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर फिजिकली कभी भी मिल नहीं पाएंगे, इवन इलेक्ट्रॉनिकली भी डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एक इंटरमीडियरी है जिसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, और फिर इंफॉर्मेशन किसके पास पास ऑन हो रही है, एओ के पास, एओ की इंफॉर्मेशन भी सेंट्रल बॉडी के पास आ रही है, और फिर किसके पास आ रही है, टैक्स पेयर के पास। जब टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन, टैक्स पेयर की जो भी रिप्लाइज है वो जब एओ को भेजी जाएंगी, तो ध्यान दीजिएगा सेंट्रल बॉडी उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हटा लेगा, यानी पैन नंबर, नाम, एड्रेस, ये सब कुछ हटा के फिर रिप्लाइज को भेजेगा। अंडरस्टूड? तो यानी ये जो असेसमेंट होगा पूरी तरीके से डिजिटल होगा, फेसलेस होगा, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। डिजिटल पेमेंट को इंकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए मैंने आपको बताया कि कैश ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टीडीएस लगा रही है, और वहीं डिजिटल पेमेंट की ह्यूज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होती थी उसको गवर्नमेंट खत्म कर रही है। आज सच बताएं तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो मर्चेंट होता है वो डिजिटल पेमेंट लेने से हिचकिचाता है। हम उसके यहां क्रेडिट कार्ड स्वैप करने जाते हैं तो वो कहता है कैश में ही कर दीजिए ना। पता है क्यों? क्योंकि शायद जब हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो 2%, 2.5%, 3% का वो ट्रांजैक्शन चार्ज पे कर देता है। हम डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट करते हैं तो शायद वो 1-1.5% का ट्रांजैक्शन चार्ज पे कर देता है। तो शायद वो डिजिटल पेमेंट लेने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता, वो कैश ट्रांजैक्शन ही करना पसंद करता है। तो गवर्नमेंट को अगर डिजिटल पेमेंट को इंकरेज करना है तो सबसे पहले तो वो लोग जो डिजिटल पेमेंट लेने को तैयार है उनको इंकरेज करे। हम लेने को तैयार है लेकिन फिर चार्जेस की वजह से नहीं लेते, तो गवर्नमेंट ने इन चार्जेस को पूरी तरीके से कर्टेल करने की बात की है। लेट्स सी कि कहां तक ये पॉसिबल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट को इंकरेज करने के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज को खत्म करने की बात पहले भी 2-4 बार की है, लेकिन शायद वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने एक बार पहले बात की तो कहा कि अच्छा 2000 रुपए तक का जो ट्रांजेक्शन होगा उस पर ट्रांजेक्शन चार्ज दी होगा, या एक आध बार रिड्यूस भी किया तो 2-4 दिन तक वो चीजें चली और फिर वापस से हाइक हो गई। तो लेट्स सी कि इस बार किस तरीके से आरबीआई इंस्ट्रक्शंस देती है बैंकों को और किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन चार्ज रिड्यूस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज बजट। थैंक यू सो मच एवरीवन।